दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की सरकार पर जांच एजेंसीज का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुल रेड्डी के बेटे मगुंटा राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया है। इस मामले के तार दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि सियासत के मैदान में भी दिल्ली और हैदराबाद यानी केजरीवाल केसीआर की दोस्ती लगातार बनी हुई है और संसद से लेकर सड़क तक इसका असर भी दिख रहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने प्रकाशम जिले के ओंगोलू के वाईएसआरसीपी सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया और ईडी बीते कुछ दिनों से राघव रेड्डी से पूछताछ कर रही है, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई। राघव रेड्डी से सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में पूछताछ की थी। इसके साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जांच के लिए बुलाया था। मगुंटा राघव रेड्डी को लेकर संदेह है। दिल्ली की नई आबकारी नीति के कथित घोटाले की योजना तैयार करने में उसका बड़ा किरदार रहा, जिसके साथ की राघव पर घोटाले की कथित योजना से अनुचित लाभ हासिल करने का भी आरोप है। दिल्ली शराब कांड के मामले को लेकर केसीआर सरकार पर भी केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर केसीआर की बेटी के कविता ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। केसीआर सरकार की ओर से कहा गया था कि जिस राज्य में चुनाव करीब आते हैं उस राज्य में बीजेपी जांच एजेंसियों का सहारा लेकर सरकार के खिलाफ झूठी साजिश रचने का काम करती है। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के होटल में शराब नीति को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें कि तेलंगाना सरकार से जुड़े लोग शामिल थे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।